नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद हैप्पीनेस के हमारे एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज 4 मिनट के वीडियो के अंदर मैं आपको 5 क्वेश्चन जीके के हमेशा के लिए याद करा दूंगा। और एक आपसे छोटा सा अनुरोध है दोस्तों, जो इस तरीके के मैं वीडियो लेके आता हूँ, आप कृपया करके उन पर अपना फीडबैक जरूर दिया करें, क्योंकि मुझे पता है ऐसे पे व्यूज़ तो कम आते हैं, मगर आप लोगों का अगर फीडबैक निरंतर मिलता रहेगा तो मेरी तरफ से वीडियो भी आते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, 5 यहाँ पर परियोजनाएं लिखी हुई हैं। पहली है नागार्जुन, जो कि कृष्णा नदी पर, तो इसकी मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और कभी कभी कन्फ्यूजन में गलत हो जाते हैं, मगर इस समय आपको ऐसी टेक्निक मिलेगी जिससे कि आप हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। पहला है दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना, ये किस नदी के ऊपर है? दोस्तों, यह है कृष्ण नदी के ऊपर। अब देखिए, आप जो है नाग को कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान ने शेषनाग के ऊपर डांस किया था, जो नृत्य किया था वो नाग ही था। तो नागार्जुन जो हो गया वो हो गया कनेक्ट दोस्तों कृष्णा से। अगला है हमारा काकड़ापारा परियोजना, यह है दोस्तों ताप्ती नदी पे। अब ये इसे कैसे याद करें? दोस्तों, आपने ककड़ी तो खाई होगी, तो आपको पता होगा जो ककड़ी आती है दोस्तों वो गर्मियों के मौसम में आती है, यानी कि तप्त मौसम में आती है। तो काकड़ा मतलब ककड़ी से ले लेंगे और गर्मियों से हो गया तप्त मौसम। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया हमेशा के लिए याद। तीसरा है दोस्तों उकाई परियोजना, जो कि है ताप्ती नदी पर, ये भी ताप्ती पे है। अब इसे कैसे याद करें? आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें उबकाई आने लगती है। तो उबकाई मतलब उकाई, और जो कि कनेक्ट हो गया ताप्ती यानी कि तप्त मौसम से, तो ताप्ती नदी। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा पंचेत बांध। पंचेत बांध है दामोदर नदी पर, ये कैसे याद रखें? दोस्तों, पंचेत से आप कनेक्ट कर सकते हैं पंच को, जो सरपंच होते थे हमारे, अभी भी होते हैं, तो फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा काफ़ी दमदार पर्सनैलिटी होती थी एक पंच की। तो दमदार से मतलब एक तरीके से दामोदर हो गया। तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। 5वां है दोस्तों कि तुलबुल परियोजना, ये किस पे है? ये दोस्तों है झेलम नदी पर। तो कैसे याद रखें इसे? तुलबुल का एक राइम वर्ड ढूंढते हैं, जो कि है चुलबुल, और चुलबुले लोगों को झेलना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल पड़ जाता है, तो वो हो गया झेलम नदी। ये 5 आपको हमेशा के लिए याद हो गए। अगर हो सके तो आप इसे किसी नोट्स वगैरह में आप नोट कर लेना, जिससे कि रिविज़न हो सके। तो इस तरीके की और भी टेक्निकें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। बस आप ऐसे वीडियो पर थोड़ा सा सपोर्ट रखें, अपना लाइक करें और फीडबैक दें, अगर हो सके तो शेयर करें, क्योंकि अगर इस तरीके की वीडियो पर दोस्तों व्यूज़ आते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा बनाने का मन करता है। भले व्यूज़ ना आए, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।